जी हमारी छोटी बच्ची है 12 साल का, हाँ, उसको गर्दन पर नस दबा हुआ है, इसका ये इशारा कराया था मैं जी। हाँ तो उसका कुछ इलाज बताइए। गर्दन पर नस दबा हुआ है तो गर्दन टेढ़ी हो गई है कि क्या होता है, दर्द होता है कि क्या हो गए? इसको दर्द नहीं होता है, ये पैरालिसिस जैसा है, जैसे हाथ अकड़ जाता है, दोनों हाथ अकड़ जाता है। 12 साल की उम्र है खाली जी, पूरा शरीर अकड़ जाता है। चलिए सुन लीजिए, देखो जो भी न्यूरो प्रॉब्लम्स हैं, नस नाड़ियों की बीमारी है, मांसपेशियों की बीमारी है, हड्डियों की बीमारी है, उसके लिए एक तो जैसे यहाँ की बीमारी है तो ये सूक्ष्म व्यायाम बताते हैं ना रोज, ये अभ्यास करें ऐसे, फिर ये ऐसे रोज बताते हैं हम, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे दोनों तरफ से सामने से, फिर ये कंधों के लिए ऐसे ऐसे, और फिर गर्दन के लिए ऐसे ऐसे, ये और ऐसे ऐसे, फिर उष्ट्रासन, अर्धचंद्रासन, फिर भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, मरकटासन, ये जितने भी स्पाइनल कोड के लिए हम आसन बताते हैं वो आसन आप बेटी से करवाइए, और साथ ही साथ उनको खट्टी चीज़ें टोटली बंद कर दीजिए। जिनको भी ऐसे नस नाड़ियों की प्रॉब्लम हो, पेन की प्रॉब्लम हो, खट्टी चीज़ें बंद कर देनी चाहिए, हमारा अनुभव है। जैसे एलोपैथी में आजकल जो काम डाइटिशियन करते हैं ना, वहाँ अलग अलग डॉक्टर होते हैं, पहले परहेज वैद्य बता दिया करता था, आजकल ये सब क्या खाना क्या नहीं खाना, कितना खाना कैसे खाना, इसके लिए डाइटिशियन हो गए हैं, एक्सरसाइज बताने वाले फिजियोथेरापिस्ट हो गए हैं, फिर अलग अलग बीमारियों के अलग अलग डॉक्टर हैं, बड़ा एक चक्रव्यूह है। डायबिटीज़ का अलग डॉक्टर है, हड्डियों का अलग डॉक्टर है, हार्ट लिवर किडनी का अलग डॉक्टर है। तो एक तो आप योग अवश्य कीजिए, करवाइए ऐसे जितने भी पेशेंट हैं जिनको इस तरह की नस नाड़ियों के हड्डियों के प्रॉब्लम है। दूसरा, जो भी हड्डियों से रिलेटेड, नस नाड़ियों से रिलेटेड ऐसे अकड़न होती है, दर्द होता है, उसके लिए 3-4 कॉमन चीज़ें हैं। एक एलोवेरा जूस, दूसरा गिलोय, तीसरा शिलाजीत। शिलाजीत या अश्वशिला कैप्सूल, अश्वशिला ज़्यादा बेहतर है, उसमें अश्वगंधा भी है, शिलाजीत भी है। अश्वगंधा और शिलाजीत दोनों मिलकर के नस नाड़ियों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को बहुत अच्छा कर देते हैं। तो अश्वशिला कैप्सूल एक एक सुबह शाम दोपहर, चंद्रप्रभावटी एक एक गोली, और त्रयोदशांग गुग्गुल, ये जो नस नाड़ीगत वात होता है, अस्थिगत वात होता है, उस सब के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये 3 चीज़ें दे दी, अश्वशिला, चंद्रप्रभा, त्रयोदशांग। और सिंपल चीज़ें, एलोवेरा जूस, गिलोय का जूस। देखो एक खास बात और बता देता हूँ, जैसे ये वात रोगों की श्रेणी में आते हैं, ज़्यादातर आप बीमारी कोई भी बात करेंगे तो वातज, पित्तज, कफज सब रोग होते हैं, और वात पित्त डायरेक्ट भी रोग होते हैं। वात पित्त कफ के मतलब सीधी समस्याएं आप सामने दिखते हैं आपके, या उनके कारण से वातज, पित्तज, कफज सब प्रकार के दूसरे रोग होते हैं। बिल्कुल सिंपल सिद्धांत आयुर्वेद का। तो वात के लिए अक्सर हम जैसे शिलाजी देते हैं, गुग्गुल देते हैं, चंद्रप्रभावटी देते हैं, महावात विध्वंसन रस, बृहतवात चिंतामणि, एकांग वीर रस, ये जितने भी औषधियाँ होते हैं अक्सर ये हल्दी, मेथी, सौंठ आदि जो भी प्रयोग बताते हैं थोड़े गर्म होते हैं, लेकिन एलोवेरा जिनकी पित्त की प्रकृति है थोड़ी गर्म चीज़ें लगती है, आयुर्वेद की चीज़ें सूट नहीं करती किसी किसी को, वो लोग गर्म लगती है। तो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात आहार श्रृंगार, निर्गुंडी का रस, या जो पीलांतक क्वाथ आपको हम देते हैं ना, उसमें सारे वातनाशक औषधि हैं, उनका काढ़ा बना करके पी लीजिए, आपको कोई चीज़ गर्म नहीं पड़ेगी वात के लिए। पित्त के लिए कोई भी औषधि लेते हैं तो वो तो गर्म पड़ती नहीं है, वो तो बिल्कुल सिंपल है, एलोवेरा है, वीटाग्रास है, या विपत्तिकर चूर्ण है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कफ के लिए भी थोड़ी चीज़ें गर्म पड़ती हैं लोगों, जैसे स्वासारी, त्रिकुटा, स्वर्ण वसंत मालती, या शिलाजीत, हल्दी, ये सारी चीज़ें अक्सर लोगों को गर्म पड़ जाती हैं। पंचकोल, पीपल, पीपला, मूल, चित्रक, चव्वे, सोठ, उसमें भी गर्म चीज़ें होती हैं, तो ये अक्सर कफ की भी चीज़ें गर्म पड़ती हैं लोगों को। तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल है, मुलैठी क्वाथ, स्वासारी क्वाथ या स्वासारी प्रभा, बिल्कुल भी गर्म नहीं पड़ते और आपका कफ रोग ठीक हो जाता है। बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा मैंने हट करके बताया, और वात पित्त कफ का एक समाधान भी आपको मैंने दे दिया।